Audio Jungle. Audio Jungle. व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी केबल टीवी की इंस्टॉल कर ली हैं मैंने सारी। अभी आपने वीडियो भी देखी है इंस्टॉलेशन की। एल्युमिनियम एंगल आयरन का ये फ्रेम बनाया सारा, इसको माउंट कर लिया दीवार के साथ। उसके बाद हमने ये डिश टीवी जो रिसीवर होते हैं इनको हमने माउंट किया इसके ऊपर। ये नीचे वाला स्ट्रिप है जो इसके साथ भी इनको स्क्रू हुआ हुआ है और ऊपर से भी स्क्रू हुआ हुआ है। ये पूरा बेंच यहाँ से निकल जाता है। ये देखें, ऊपर और नीचे ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा बेंच निकल जाता है इसमें से। ये अब हमने लगा दिए हैं यहाँ पे 7 मॉड्यूलेटर लगा दिए और एक कंबाइनर लगा दिया है। ये 16-वे कंबाइनर है ताकि इसमें हम मजीद अपग्रेड कर सकें। ये आप देखेंगे मॉड्यूलेटर, ये थोड़े डिफरेंट शक्ल के हैं लेकिन ये शक्ल ही डिफरेंट है, बाकी इनकी वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं है। वर्किंग बिल्कुल सही है इसका। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे होगी। ये जो बेसिकली आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है टेस्ट पॉइंट, ये बेसिकली यूज़ होता है टेस्ट के लिए। जो आप मीटर लगा के टेस्ट करते हैं ना कि ये मॉड्यूलेटर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये 30-30 dB का ये टेस्ट पॉइंट होता है। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर मैं आपको एक का बता देता हूँ, आप बाकी का जो है ना खुद देख लीजिएगा, बाकी सेम ही है सारे। ये एक टेस्ट पॉइंट हो गया इसका। टेस्ट पॉइंट के साथ साथ ये इसका चैनल नंबर लिखा हुआ है S2। RF आउटपुट लेवल, यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से RF आउटपुट लेवल यहाँ से सेट करते हैं। ये ओरल AV, ये ऑडियो वीडियो का आपस में जो गैप है यहाँ से वो सेट होता है। ऑडियो और वीडियो सिग्नल का गैप आपस में सेट होता है। फिर ऑडियो मॉड्यूलेटर, इसमें ऑडियो जो है ना वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सेटिंग के मुताबिक। सारे चैनल की बराबर करनी पड़ती है ताकि टीवी का आवाज़, टीवी की जब आप चैनल चेंज करें तो कभी ऊंची और कभी नीची ना हो। और उसके बाद वीडियो मॉड्यूलेटर, वीडियो मॉड्यूलेटर जो आप वीडियो का सिग्नल है उसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से फ्रंट के ऊपर। तो मॉड्यूलेटर के यही चीज़ें हैं। चलते हैं बैक साइड पर। अभी आप बैक साइड पे देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर कंबाइनर लगा हुआ है जिसके फ्रंट पे कोई चीज़ नहीं है। इस पे आप देख सकते हैं, ये इसकी पोर्ट नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4। 8 इस साइड पे है और 8 से आगे ये इस साइड पे 8 पोर्ट है और सेंटर में आउट है। ये इसकी सेंटर में आउटपुट हो गई है। उसके बाद जो भी मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर के पीछे आपको देखें एक वीडियो सिग्नल और एक ऑडियो, ऑडियो वीडियो की दो केबल्स मिलेंगी। जो हमने ये जो रिसीवर हैं, ये डिश के रिसीवर हैं, कोई भी DVD प्लेयर है, डिश रिसीवर हैं, या आपका CCTV कैमरा का है मॉड्यूल, उसको करना ये है कि आप वीडियो सिग्नल यहाँ से लें और ऑडियो कोई भी एक ले लें, लेफ्ट राइट में से कोई एक ले लें, यहाँ से इनको हमने यहाँ मॉड्यूलेटर में जोड़ देना है। उसके बाद ये आप केबल के देख रहे हैं, सॉरी ये आप देख रहे हैं डिश रिसीवर, इसमें देखें एक इन है एक आउट है। ये डिश से जो तार आएगी LNB से, हम किसी एक साइड वाले को, जैसे कि इसको मैं यहाँ से इन करूँगा, एक डिश का सिग्नल यहाँ से आउटपुट पे एक केबल निकाल के नेक्स्ट रिसीवर की इनपुट पे लगाऊंगा, फिर यहाँ से निकाल के ये लूप आउट लिखा हुआ है, यहाँ से हम आउटपुट निकालेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे लगाएंगे, फिर हम यहाँ से आउटपुट निकालेंगे उससे आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे लगाएंगे, फिर उसके बाद इसी तरह आउट से निकाल के इन पे लगाएंगे। ये एक तार से आगे ये लूप बन जाएगा, आपस में सारे कनेक्ट हो जाएंगे और सबको हम ट्यून करेंगे और इनके ऊपर एक एक चैनल चला लेंगे। वही एक एक चैनल इन वीडियो सिग्नल्स जो हैं, वीडियो सिग्नल हम हर मॉड्यूलेटर के पीछे लगाएंगे। यहाँ से फर्स्ट मॉड्यूलेटर के पीछे हम लगा देंगे वीडियो ऑडियो, इसी तरह सेकंड का भी वीडियो ऑडियो सेकंड पे, थर्ड का थर्ड पे, फोर्थ का फोर्थ पे और फिफ्थ का फिफ्थ पे। ये केबल्स लगा देनी है सारी, बाकी पावर केबल्स हैं सारी। ये
पावर केबल के लिए यहाँ पे हमने ये बस बार लगा ली है। अब ये जितने भी प्लग हैं पावर केबल के, ये केबल ये जो है ना इसके अंदर बिल्कुल साइज के हैं इसके, यहाँ पे हम स्क्रू में टाइट कर देंगे ताकि हिले ना। ये हमारे रिसीवर के कनेक्शन हो गए पावर के। आप चलते हैं मॉड्यूलेटर पे। मॉड्यूलेटर में हमने ये करना है कि एक तो ये वाली केबल्स हमने रिसीवर से लगा दी हैं यहाँ पे, उसके बाद आरएफ आउट, हर मॉड्यूलेटर वीडियो ऑडियो सिग्नल लेके एक आरएफ आउट करेगा यहाँ से। इस आरएफ आउट को, पहले मॉड्यूलेटर की आरएफ आउट को हम पोर्ट नंबर 1 पे लगा देंगे कंबाइनर की, दूसरे आरएफ आउट की हम सेकंड पे लगा देंगे, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, ये सात की सात केबल हम यहाँ पे लगा देंगे, ये पोर्ट 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद पावर की तरफ चलते हैं। अब देखें जो कंबाइनर है वो नॉन एक्टिव है, पैसिव कंबाइनर है, इसको कोई पावर चाहिए नहीं होती, इसमें कोई पावर लीड नहीं है। सेकंड, ये जो आपके मॉड्यूलेटर आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ये फ्यूज़ भी है, इधर जो पावर फ्यूज़ है उसके साथ साथ इनपुट और ये एसी आउट है। हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वन है ना, इसका जो प्लग है ना, इसको हम लगा देंगे अपने सिस्टम के मेन बोर्ड के अंदर। ये जैसे बोर्ड है ना, हम इसको इसमें लगा देंगे। उसके बाद पहले में पावर आ गई है, अब जो दूसरे का प्लग है सेकंड का, ये देखिए सेकंड है, इसका प्लग हम लगा देंगे पहले के एसी आउट में। इसी तरह चलते जाए नीचे, थर्ड का प्लग हम सेकंड में लगा देंगे, फोर्थ का थर्ड में लगा देंगे, फिफ्थ का फोर्थ में लगा देंगे, फिर सिक्स वन है जो उसका हम फिफ्थ पे लगा देंगे, और फिर लास्ट है जो इसका हम सेकंड लास्ट पे लगा देंगे। ये देखें, ये आपस में लूप हो गए हैं। एक तार को आप पावर, अब एक प्लग आप पावर पे लगाएंगे फर्स्ट वन का, ये सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक प्लग लगा दिया इसका, अभी मैं फ्रंट साइड पे चलता हूँ। ये देखिए सारे ऑन हो चुके हैं। ये होगी इसकी वायरिंग। फिर मजीद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये जो इस कंबाइनर की आउटपुट है, ये आउटपुट यहां से हम केबल निकालेंगे, इसको हमें बैक साइड के ऊपर एक सिग्नल एम्पलीफायर लगा दिया है। सिग्नल एम्पलीफायर में ये साइड इनपुट है, वो केबल हम यहाँ पे इनपुट देंगे, और इसकी दूसरी साइड पे देखा जाए तो ये दो आउटपुट हैं। एक आउटपुट हम यहाँ से निकाल के अपने पास यहाँ डिस्प्ले लगा लेंगे, और दूसरी आउटपुट निकाल के हम बाहर पूरे इलाके में जिधर भी हमने केबल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, घर है, कुछ भी जगह है, वहाँ पर हम वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं आपको मजीद इसके बाद वायरिंग करके दिखाता हूँ सारी चीज़ों की। अभी ये हमने, मैंने टेम्परेरी आपको इसके कनेक्शंस बता दिए हैं, आप इनके कनेक्शन के मुताबिक आप अपने भी अगर कोई सिस्टम बनाना चाह रहा है तो वो उसको कर सकता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी आगे मैं वीडियो थोड़ी स्किप करता हूँ और आगे आप वायरिंग देखें। व्यूअर्स ये देखें, अभी मैंने ऑन कर दिया सारा सिस्टम, आपको वायरिंग भी दिखा देता हूँ। ये अब सारे डिश रिसीवर चल रहे हैं, एक डीवीडी प्लेयर है जिसके अंदर यूएसबी का भी ऑप्शन है, और उसके साथ ये एक डिश टीवी लगा हुआ है जो पेड चैनल्स के लिए लगाया गया है। ये आप नीचे देख सकते हैं, एक कंबाइनर है जो सिग्नल कंबाइन कर रहा है, सारे मॉड्यूलेटर ऑन है, पावर आपको इनकी मैं दिखा देता हूँ। ये जो बस बार आपको मैंने दिखाई थी, इसके ऊपर मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, सारे प्लग वगैरह इसके अंदर लगा दिए हैं, टाइट कर दिए हैं, और इसका एक प्लग जो था वो मैंने लगा दिया है मेन बोर्ड के अंदर। ज़रा बैक साइड पे चलते हैं, आपको मैं बाकी दिखाता चलता हूँ।
ये कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है इसकी। ये जो ऊपर कनेक्शन है सारे वो सिंगल सेटेलाइट से सबको दिए हैं कंबाइन करके। उसके बाद ये वीडियो सिग्नल, वीडियो ऑडियो सिग्नल्स की केबल हैं। ये सारी केबल्स यहाँ से आके, जैसे कि डीवीडी के पीछे भी लगी हुई है, इसके पीछे भी लगी हुई है, ये सारी केबल जो हैं वो सारे मॉड्यूलेटर्स के पीछे लगा दी हैं। मॉड्यूलेटर्स की पावर केबल, जैसे कि आपको बताया था कि ये लूप में लगती हैं, एक की इन है मैन, फिर आउट होके दूसरे में इन, फिर आउट होके तीसरे में इन, इसी तरह सबकी लूप में बिल्कुल चल रही है। और सारे मॉड्यूलेटर्स की जो केबल हैं, आरएफ केबल, आरएफ आउट सारी निकाल के ये आप देख सकते हैं कंबाइनर में इन हो गई हैं सारी। और कंबाइनर की जो एक आउट है ये वाली, यहां से आउट हुई है और ये लगती है जाके, ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के अंदर ये लग गई है। सिंगल एक आउट की है मैंने यहाँ से, आउट करने के बाद एक सप्लेटर लगाया है, सप्लेटर से कुछ कनेक्शन बाहर जाएंगे, कुछ यहाँ पे मॉनिटरिंग वाले टीवी के साथ लगेंगे। और ये यहाँ पे टीवी चल रहा है, अभी आपको मैं चैनल्स दिखा देता हूँ। चैनल वन, अभी आपने देखा है कि 7 मॉड्यूलेटर हमारे पास लगे हैं, चैनल वन, चैनल टू, चैनल थ्री, चैनल फोर, चैनल फाइव, चैनल सिक्स डिश टीवी है जिसकी अभी डिश नहीं लगी हुई इसलिए नो सिग्नल है, और चैनल सेवन इंसर्ट यूएसबी ड्राइव, ये यूएसबी के लिए जो डीवीडी प्लेयर लगाया है ये वो है। ये देखें 7 चैनल इसके ऊपर आ चुके हैं, अभी मज़ीद अपग्रेड हो सकता है इसमें। जितने भी आप ये मॉड्यूलेटर लगाते जाएंगे जितने भी, उतने ज़्यादा चैनल इसमें ऐड होते जाएंगे। इसकी सेटिंग जो है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, फिर वो अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और मॉड्यूलेटर्स को आपस में बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर बाकी केबल टीवी सिस्टम ये कम्प्लीट हो चुका है, इसमें मज़ीद जितने भी ऐड कर लें, अभी तो मैंने बेसिक सिस्टम बना के आपको बताया, इसमें अभी जगह है काफ़ी ज़्यादा चैनल ऐड करने के लिए। ये अभी 7 चैनल है, तकरीबन 22 से 23 चैनल, इसमें 24 चैनल तक भी आराम से आ सकता है, क्योंकि अभी आप 24 चैनल के लिए 24 मॉड्यूलेटर और 24 ही रिसीवर लगाने पड़ेंगे। सो व्यूअर्स, आप तक के लिए इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच जाए।